ऋषभ, ये लोग बिना रोड के होते हुए निकलेंगे। मैं इनके ड्राइवर को ठिकाने लगा दूंगा, तुम आगे का संभाल लेना। ले पोजलस से। वो कहाँ है? ये सोच कि तू कहाँ है? तुम्हारे बॉस का चेला अभिषेक। कौन अभिषेक? कहाँ है वो? चुपचाप बता दो वरना अच्छा नहीं होगा। हम तो नहीं बताएंगे। आखिरी बार बोल रहा हूँ, बता दो कहाँ है वो। जो करना उखाड़ ले, चल चल काम है। हेलो। हाँ सर, मुझे पता चल चुका है विक्रम के कातिल कौन है। वो मेरे घर के पास ही रहता है, मैं उसे जानता हूँ। उसका नाम है अभिषेक। हमें भी पता चला है, इन हिटमैन्स का एक ग्रुप है। एक हिटमैन को मेरे एक आदमी ने पकड़ लिया है और उसने अपना मुंह खोल दिया। ये लोग आज देश से बाहर जा रहे हैं और मीना रोड की तरफ से निकलेंगे, तब इन्हें हम पकड़ लेंगे। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? हेलो, बस कुछ घंटों की बात है, फिर हम इस देश से फरार हो जाएंगे। और तुम अपने घर की चिंता मत करो, मैंने वहाँ पे अपने सबसे अच्छे आदमी भेज रखे हैं। अगर विक्रम का भाई वहाँ भी आ गया तो वो उसको ठिकाने लगा देंगे। बस मुझे ये अफसोस है, आज मेरे साथ मेरे सबसे अच्छे बंदे मौजूद नहीं। एक ने तो सुसाइड कर लिया था, दूसरे का क्या हुआ? मैंने उसको बचपन में हायर किया था, वो एकदम प्रोफेशनल था, पर ये बंदा एक दूसरे हिटमैन के ग्रुप के साथ मिला हुआ था। वो हमें धोखा देने की फिराक में था। मैंने उसकी सारी चैट्स पढ़ ली। जब वो विक्रम को मारने गया था, मैंने अपना एक बंदा उसके पीछे भेज दिया और मैंने उससे कहा, चाहे ये विक्रम को मारने में सक्सेसफुल हो या ना हो, तुम इसे पीछे से ही मार देना। जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, चुपचाप मेरे साथ चलो। गाड़ी क्यों रोकी? क्या बोल ली थी जानी, दोबारा बोलेगी? चल गाड़ी घुमा।
सर, टारगेट भाग गया है और वो पास वाले पार्क की तरफ गया है। उसे मैं देख लूंगा, तुम मेरे पास आओ। इधर आके खड़ा हो, सर गुस्से में है। तुमने उसे देखा था? जी सर। तुम्हारे पास बंदूक थी? जी सर। चलाई क्यों नहीं? बंदूक दिखाओ। इन हाथों का क्या काम जब चलानी नहीं है? हमसे उस्तादी। चल चल। घुटनों के बल बैठ। क्या बोलते हो, मार दूं इसे? इतनी कीमती गोली इस जान के लिए? इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा।
यही सोच रहा ना ये सब क्या हो रहा है। इसके पीछे अभिषेक का ही हाथ है। डार्क वेब पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट की पहुंच के बाहर है। अभिषेक तुम उसके साथ मिलकर तुम्हें बलि का बकरा बना रहा था। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? पैसा बहुत बड़ी चीज है। दो मिनट में तुम्हारे घर की बेल बजेगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए। सर एक ग्लास पानी मिलेगा? भी वक्त है। तुम्हारे बीवी और बच्चों की मौत के पीछे तू उसका ही हाथ है, ताकि तुम उसकी गैंग में शामिल हो जाओ। वो तो मुझे भी मरवाने के चक्कर में था। मेरे पास एक आइडिया है, फेक डेथ। एक बॉडी का जुगाड़ करना पड़ेगा। एक और शख्स है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। हेलो ऋषभ, ये लोग मीना रोड के होते हुए निकलेंगे। मैं इनके ड्राइवर को ठिकाने लगा दूंगा, तुम आगे का संभाल लेना। Hands up. Vikram, Karan, Bilal,
सर आपको मैं ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, इसको अरेस्ट कीजिए, यही कातिल है। अरेस्ट? किस बात का अरेस्ट? सबूत क्या है? सबूत है। ये हार्ड ड्राइव, इसमें इनका सारा डेटा, सारी डिटेल्स, सारी रिकॉर्डिंग्स और सब कुछ है। आप चेक कर लीजिए और इसे अरेस्ट कीजिए।